हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे जुलाई 2022 जुलाई महीने का करंट अफेयर, और उसके बाद हम लोग अगस्त महीने का करंट अफेयर पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे आगे सितंबर, अभी तो चल ही रहा है, फिर सितंबर ऐसे पढ़ेंगे। जून महीने का करंट अफेयर आपको पढ़ना है तो वीडियोज़ में लेक्चर पढ़ा हुआ उसको जाकर एक बार रिवाइज कर लीजिए, और उसके पीछे का जो करंट अफेयर है आप घटनासार, घटना चक्र वगैरह से कंप्लीट कर सकते हैं, जो पहले पढ़ाया गया था। आप टिक किए होंगे, आपके पास किताब होगी, ठीक है। और कुछ लोगों कमेंट आए कि सर 5-6 महीने का करंट अफेयर पढ़ा दीजिए, तो 5-6 महीने का, पिछले 5-6 महीने का करंट अफेयर का प्रयास करेंगे कि एक लेक्चर जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसके लिए बना दिया जाए, ठीक है। और आगे कई परीक्षाएं हैं, तो जो भी परीक्षा हो उसके लिए ये करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे उसको ज़रूर कमेंट करिएगा, ज़रूर कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है। सर्च करके करिएगा, आपको ही फ़ायदा होगा। पहला करंट अफेयर है जुलाई महीने का, स्टेचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा 7 जुलाई 2022 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, स्टेचू ऑफ पीस। और ये स्टेचू किसकी है? स्वामी रामानुजाचार्य जी की यह स्टेचू है, स्वामी रामानुजाचार्य जी की यह प्रतिमा है जिसका अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया है। स्वामी रामानुजाचार्य जी का जन्म 1017 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हुआ था। रामानुजाचार्य एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने समानता और सामाजिक न्याय की वकालत करते हुए पूरे भारत की यात्रा की थी, ठीक है। रामानुजाचार्य ने 11वीं शताब्दी में ब्रह्मसूत्र पर एक ग्रंथ बोधायन वृत्ति नामक एक महत्वपूर्ण पांडुलिपि प्राप्त करने के लिए कश्मीर का दौरा किए थे, और स्वामी रामानुजाचार्य जी को अन्नामाचार्य, भक्त रामदास, त्यागराज, कबीरदास और मीराबाई जैसे कवियों के लिए प्रेरणा माना जाता है, ठीक है। तो इन लोगों को, मतलब ये लोग प्रेरणा इनसे लिए थे, त्यागराज, कबीरदास, मीराबाई, ये लोग स्वामी रामानुजाचार्य जी से, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि एक और स्टेचू ऑफ पीस कहीं और पर भी है क्या भारत में, कहां पर है उसके बारे में कमेंट करिएगा। अभी हाल ही में स्टेचू ऑफ इक्वालिटी की बात होती है, तो स्टेचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पर है? पीसीएस प्री में उनका जो दर्शन था उससे क्वेश्चन पूछा जा चुका था, ठीक है। तो ये भी आप लोग कमेंट करिएगा। तो हमने देखा कि स्टेचू ऑफ पीस का अनावरण 7 जुलाई 2022 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में की गई है गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, और यह प्रतिमा जो है स्वामी रामानुजाचार्य जी को समर्पित है, स्वामी रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है, ठीक। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं। अखिल भारतीय शिक्षा समागम यह कहां पर हुआ था? इस समागम का उद्घाटन या फिर यह समागम हुआ कहां था? तो पहली चीज, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ, वरुणा और असी नदी, ठीक है। तो वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। 7 से 9 जुलाई तक यह हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया वीक इसकी थीम क्या है? कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेड इसकी थीम है। आपका पेट वगैरह का एग्जाम वगैरह हो तो उसमें ऐसे पूछा जा सकता है, थीम दे दी जाएगी, मतलब उसकी थीम क्या थी, एक आध क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, डिजिटल इंडिया वीक 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में, ये भी याद रखिए कहाँ पर हुआ था इसका उद्घाटन, गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक का, इसकी थीम थी कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टिकट। तो आप बताइएगा, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा, वह मतलब किस डेट को और किस ईयर में किया गया था? क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो जो योजनाएं पिछले 8-10 वर्षों में शुरू हुई हैं उसके ईयर को सेट करने के लिए एक आध क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर मिल जाता है आपको एग्ज़ाम में, तो इसलिए तैयार रहिए एकदम। चलिए अब अगला करंट अफेयर देखते हैं। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं, 15वीं राष्ट्रपति, और 25 जुलाई को इन्होंने शपथ लिया, 25 जुलाई को, ठीक है। इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं, तो क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम लोग देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाली भारत की पहली जनजाति व्यक्ति हैं, जनजाति महिलाएं पहली हैं, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 1958 को
उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। द्रौपदी मुर्मू 64 साल की हैं और देश की सबसे कम उम्र की, अब तक जो भी राष्ट्रपति लोग बने थे उनमें सबसे कम उम्र की यही हैं। और भारत, स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत में जन्म जिनका हुआ हो वैसी पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ही हैं। ओके, मतलब स्वतंत्र भारत 1950 के बाद इनका जन्म हुआ, 15 अगस्त 1947 के बाद ही इनका जन्म हुआ। इनका जन्म देखिए 1958 में हुआ है, स्वतंत्रता के बाद हुआ है। ओके, 64 वर्ष की यह हैं। 1997 में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पहली बार राजनीति में शामिल हुई और उड़ीसा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर अधिसूचित क्षेत्र परिषद में पार्षद चुनी गई। 2002 से 2009 तक रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, रायरंगपुर से दो बार विधायक या चुनी गई, एक बार उड़ीसा राज्य सरकार में वाणिज्य परिवहन मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। 2015 से 2021 तक श्रीमती मुर्मू ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएँ दीं। वे झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी थीं और किसी भी भारतीय राज्य में राज्यपाल के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला आदिवासी नेता थीं। राष्ट्रपति मुर्मू संथाल जनजाति समूह से संबंधित हैं। तो ये जो इनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट आपको दिए जा सकते हैं, तो आप तैयार रहिए खुद से, ठीक है। चलिए, डीजी यात्रा परियोजना क्या है? सीधी सी बात है, ये जो डीजी है यानी डिजिटल यात्रा है। अब डिजिटल यात्रा कैसे होगी? डिजिटल यात्रा मुख्य रूप से यह जो है कि एयरपोर्ट्स पर यूज की जाएंगी। कैसे? यह फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर आधारित हवाई अड्डों पर यात्रियों के संपर्क रहित निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए कल्पना की गई एक परियोजना है। मतलब एयरपोर्ट पर वैसे चेकिंग करनी होती है तो अब फेशियल, चेहरे से ही ऐसे ही फेस रीडिंग हो जाएगी उनकी, आयरिस वगैरह का स्कैनिंग हो जाएगी, पता चल जाएगा हाँ आदमी इसी देश का है, ठीक है। तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के, इसी को डीजी यात्रा परियोजना का नाम दिया गया है, जिसको आगे बढ़ाया जाएगा। 18 जुलाई 2022 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि डीजी यात्रा परियोजना का पहला चरण 15 अगस्त 2022 से बेंगलुरु और वाराणसी हवाई अड्डों पर शुरू किया जाना है। यानी शुरुआत जो की गई है बेंगलुरु और वाराणसी हवाई अड्डों पर ये शुरू की जाएगी पहले, इसके बाद आगे मार्च 2023 तक पुणे, विजयवाड़ा, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो डीजी यात्रा परियोजना किससे संबंधित है आपने जान लिया। चलिए अगला करंट अफेयर है, यहां पर है कि टाइम पत्रिका द्वारा 2022 में दुनिया की सबसे महान जगहों की सूची में अहमदाबाद शहर और केरल राज्य को नामित किया गया है, ठीक है। एक्सप्लोर करने के लिए 50 असाधारण स्थलों में सूचीबद्ध किया गया, यानी विश्व के 50 असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेस जो हैं, डेस्टिनेशंस जो हैं, उसमें इनको स्थान दिया गया है टाइम मैगजीन के द्वारा, अहमदाबाद शहर और केरल राज्य को, ठीक है। वर्ष 2021 में भारत की नागरिकता छोड़ने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा भारतीयों ने संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता प्राप्त की, यानी भारत से लोग भाग के जा रहे हैं कहाँ पर, यूएसए में, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में जा रहे हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं। भारत से लोग सबसे ज़्यादा कहाँ जा रहे हैं, यूएसए में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात जो लोग कहते हैं कि इंडियन ओरिजिन के हैं, अब मान लीजिए यहाँ से जो चला गया वहाँ पर अमेरिका में, तो वो वहाँ पर उस देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। भारत के लिए जैसे अगर हम बात करें, सत्या नंडेला हो गए, सुंदर पिचाई हो गए, इन लोगों ने भारत के लिए किया क्या है, सोचिएगा आप लोग, इन लोगों ने भारत के लिए किया क्या कि पिछले वर्ष सरकार ने इन लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा भी की थी सरकार ने, और ये लोग अपना जो पुरस्कार था वो लेने भी नहीं आए। अब सोचिए आप लोग कि हमें खुश होना चाहिए जो भारत के लोग विदेशों में जाकर वहाँ के देश के, उस देश के लिए योगदान कर रहे हैं, तो भारतीयों को क्या फ़ायदा हो रहा है इससे, भारतीयों के कुछ जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहा है? अगर हो रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो अच्छी बात है, लेकिन एक तरह से हमारी फीलिंग होती है कि भारत के थे, भारत के पहले इंडियन ओरिजिन के थे, कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे देश के लिए। तो चलिए ठीक है, भारत से सबसे ज़्यादा लोग यूएसए में जा रहे हैं और फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं। ओके,
अगला करंट अफेयर है कि प्रगति मैदान दिल्ली में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो आयोजित किया गया, 6 से 7 जुलाई को हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो हुआ था कहाँ पर, प्रगति मैदान दिल्ली में ड्रोन एक्सपो हुआ था। ये महत्वपूर्ण है करंट अफेयर। अगर टफ करंट अफेयर पूछे जाएंगे तो यहाँ से उठाए जाएंगे कागज़ आयात निगरानी प्रणाली के लिए पंजीकरण, कुछ जो कागज़ हैं उसके लिए अनिवार्य कर दिया गया है, जैसे कि कागज़ हो गया न्यूज प्रिंट, हस्तनिर्मित कागज़, कोडेड पेपर, अनकोडेड पेपर, लीथो और ऑफसेट पेपर, टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर, कार्टन, लेबल आदि, जैसे पर क्या किया गया है कि अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा अगर आप इसका आयात वगैरह करते हैं, तो इस पर सरकार पूरे तरीके से निगरानी रखेगी। लेकिन करेंसी पेपर हो, बैंक बॉन्ड हो, चेक पेपर हो, सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर हो आदि जैसे कागज़ के उत्पादों को अनिवार्य पंजीकरण के दायरे से बाहर रखा गया है, ठीक है। तो इसको बाहर रखा गया है किस पर, करेंसी पेपर, बैंक बॉन्ड, चेक पेपर, सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर, इनको अनिवार्य पंजीकरण से बाहर रखा गया है। लेकिन ये जो यहाँ पर पेपर आपको दिख रहे हैं इनको अनिवार्य रूप से पंजीकृत करना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। UPPCS में इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस पर जो है कि कागज़ आयात निगरानी प्रणाली के अंतर्गत अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे GST दरों में परिवर्तन किया गया है और GST दरों में परिवर्तन की वजह से देश में थोड़ा महंगाई भी आ गई है, जैसे कि पैकेज्ड फूड जो भी मिलते थे पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर 5% GST लगेगा, जबकि इन्हीं खाद्य पदार्थों की 25 किलोग्राम से अधिक की पैकिंग पर GST नहीं लगेगा। 25 किलोग्राम की अधिक से पैकिंग पर GST नहीं लगेगा। जैसे आप 10 केजी का आटा पैकेट वाला ख़रीदते हैं तो आपको 5% GST देना पड़ेगा, और अगर वही आप खुला हुआ आटा ख़रीदते हैं तो आपको GST नहीं देना पड़ेगा। ये पैकेज्ड जो पैक हैं उसकी बात है। ऐसे ही हमने देखा कि ग्रोफर्स वगैरह पर ग्रोसरीज़ वगैरह घर पर पहुँचाते हैं, तो ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं, तो हमने सर्च किया कि ख़रीदते हैं यहाँ से, तो हमने आटा वगैरह उस पर किया, कई चीज़ें ऐड किए, तो वहाँ पर जो कि आज अरहर की दाल की बात करें तो 110-115 में आपको मिल जाएगी, और उस पर हमने देखा कि 149 में वहाँ मिल रहा है। आटा भी महंगा हुआ है, सरसों के तेल की बात करें तो वो भी महंगा हुआ है। तो इससे अच्छा हमें लगा कि पैकिंग वाला मंगाने से अच्छा है कि 200-400 रुपये की बचत होगी, ऐसे ही किसी दुकान से जाकर ले लीजिए, ये 5% आपको GST नहीं देना पड़ेगा। तो ये है, थोड़ा सा महंगाई आई है लेकिन ब्रांडेड चीज़ें मिल सकती हैं इस पर अच्छे तरीके से। कुछ चीज़ों पर और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टेटमेंट बन सकते हैं। विद्युत चालित वाहन पर GST में 5% की छूट दी जाएगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना। पूर्वोत्तर राज्यों और बागडोगरा हवाई अड्डे पर यात्रियों को केवल इकोनॉमी श्रेणी में यात्रा करने पर GST में छूट मिलेगी। वस्तुओं की ढुलाई और रोपवे के यात्रियों के लिए GST दर 12% से घटाई गई है, 5% की गई है। सोलर वाटर हीटर पर 5% GST की बजाय 12% GST ली जाएगी। ई कचरा पर GST 5% से 18% कर दी गई है, ओके। प्रतिदिन 1000 रुपये तक के टैरिफ वाले होटल के कमरे के लिए 12% कर GST कर दिया गया है, ओके। चेक जारी करने के लिए शुल्क के रूप में बैंक 18 जुलाई 2022 से 18% GST वसूल करेंगे, ओके। और 18 जुलाई 2022 से जो GST की बैठक हुई थी तभी से यह लागू कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा, स्टेटमेंट बन सकते हैं। अगला करंट अफेयर है व्यवसाय सुधार कार्य योजना 2020, ये रिपोर्ट 2022 में आई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में व्यवसाय सुधार कार्य योजना बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के अंतर्गत राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की आकलन रिपोर्ट जारी की। यह व्यवसाय सुधार कार्य योजना अभ्यास का 5वां संस्करण है। व्यवसाय सुधार कार्य योजना कार्यान्वयन के आधार पर आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब वगैरह वगैरह ये अचीवर्स कैटेगरी में हैं। ये जो राज्य हैं टॉप अचीवर्स कैटेगरी में है। नंबर एक पर आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, ये टॉप 3 हैं, टॉप अचीवर्स कैटेगरी में हैं। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपका उत्तर प्रदेश भी अचीवर्स कैटेगरी में, टॉप अचीवर्स कैटेगरी में नहीं उत्तर प्रदेश, ये है अचीवर्स कैटेगरी में, ओके। टॉप अचीवर्स कैटेगरी में है आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। वहीं असम, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड वगैरह जो हैं कि एस्पायर्स कैटेगरी में है, मतलब आकांक्षी श्रेणी में है। अंडमान निकोबार, बिहार, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, और बिहार का जो लोग पेपर देने जा रहे हैं तो याद रखिएगा, बिहार भी किस श्रेणी में है, इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम में, यानी उभरते व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत है ये,
ओके। तो व्यवसाय सुधार कार्य योजना 2020 के अंतर्गत आंध्र प्रदेश टॉप अचीवर्स कैटेगरी में है, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक ये सब टॉप अचीवर्स में हैं, और हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपका उत्तर प्रदेश अचीवर्स कैटेगरी में है, असम, छत्तीसगढ़, गोवा ये सब एस्पायर्स यानी आकांक्षी श्रेणी में है, बिहार, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार ये सब उभरते व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत इनको सूचीबद्ध किया गया है, इसी श्रेणी में इनको रखा गया है। ओके, चलिए अगला करंट अफेयर है ग्रैंड हैकथॉन। क्या है ग्रैंड हैकथॉन भाई? यह कृषि क्षेत्र में ई कॉमर्स को अपनाने में मदद करने के लिए आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य विभिन्न कृषि हितधारकों, स्टार्टअप और व्यक्तिगत संगठनों को एक छत के नीचे लाना है, ग्रैंड हैकथॉन है ना। कृषि क्षेत्र में ई कॉमर्स को अपनाने में मदद करने के लिए आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह जो है कि डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क है ना, नाबार्ड के सहयोग से आयोजित किया गया। दो दिवसीय ग्रैंड हैकथॉन वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया, दो दिवसीय नाबार्ड के सहयोग से किया गया ग्रैंड हैकथॉन। ग्रैंड हैकथॉन को एग्री ग्रांट चैलेंज और एग्री इनोवेशन हैकथॉन श्रेणियों में विभाजित किया गया, जो कृषि क्षेत्र में ई कॉमर्स को अपनाने में सहायता के लिए नवाचारों का प्रदर्शन करेगा। इनोवेशन जो हुए हैं कृषि सेक्टर में जो ई कॉमर्स को अपनाने के लिए, तो उससे रिलेटेड ग्रैंड हैकथॉन है, नाबार्ड के सहयोग से बना है। तो आप कमेंट करिएगा कि नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुई थी और कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आपको कमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला करंट अफेयर है स्टार्टअप स्कूल इंडिया। स्टार्टअप स्कूल इंडिया शुरू किसके द्वारा किया गया है? गूगल के द्वारा। गूगल ने शुरू किया स्टार्टअप स्कूल इंडिया कार्यक्रम। क्या करने के लिए? यह कार्यक्रम उन स्टार्टअप के लिए जो छोटे शहरों से आते हैं और ज्ञान साझा करने की तलाश में हैं और उन्हें अपने अगले चरण में यह मदद करेगा। स्टार्टअप स्कूल इंडिया बनाने का विचार भारत में अधिक से अधिक स्टार्टअप तक पहुंचाना है। गूगल का लक्ष्य इस कार्यक्रम के साथ कम से कम 10,000 स्टार्टअप तक पहुंचाना है भारत में। स्टार्टअप स्कूल इंडिया एक ऐसा मंच है जिसके तहत गूगल निवेशकों, सफल उद्यमियों और प्रोग्रामर्स को एक साथ लाएगा, जो छोटे शहरों के स्टार्टअप्स का लाभ उठा सकते हैं और सर्वश्रेष्ठ कार्यों से सीख सकते हैं। ओके, तो गूगल के द्वारा यह शुरू किया गया है। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा स्टार्टअप स्कूल इंडिया कार्यक्रम। डिजीवाड़ी कॉल सेंटर, डिजीवाड़ी कॉल सेंटर भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसका मेन लक्ष्य क्या है? डिजीवाड़ी एक ऐसा स्थान होगा जहां ग्रामीण महिला उद्यमी कॉल कर सकेंगी और उनके लिए उपलब्ध विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। इस डिजीवाड़ी कॉल सेंटर को गूगल द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इसको भी गूगल के द्वारा वित्त पोषित किया गया है और गूगल स्कूल इंडिया कार्यक्रम भी पिछला हमने बताया अभी। ओके, 20,000 ग्रामीण महिला उद्यमियों तक पहुँचने के लिए पायलट आधार पर शुरू में 6 राज्यों में शुरू किया जा रहा है, जिसमें से उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, हरियाणा है और राजस्थान है, यानी उत्तर नॉर्थ इंडिया के ये सब राज्य हैं। यूपी बिहार हो गया, उत्तराखंड है, यूपी बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, 6 राज्यों में शुरू किया गया है। गूगल इसको वित्त पोषित कर रहा है, डीजीवाड़ी कॉल सेंटर। अगला करंट अफेयर, हाँ, कॉफ़ी की नई प्रजाति विकसित करने के लिए, नई जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए जो कॉफ़ी बोर्ड है, कॉफ़ी क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियों को नई प्रगति प्रदान करने के लिए कॉफ़ी बोर्ड ने इसरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉफ़ी बोर्ड ने समझौता किया है, माओ MOU साइन किया है कि जलवायु प्रतिरोधी किस्में विकसित की जाएं। ठीक है, तो बताइएगा भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी किस राज्य में उत्पन्न होती है, दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है जहाँ पर कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। और भारत में कौन सी दो किस्में हैं मुख्य रूप से जिसका उत्पादन किया जाता है कॉफ़ी की कौन सी दो किस्में? नमस्ते योजना क्या है? इसका फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ठीक है, नाम से ही समझ में आ गया किसके लिए है। आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र नमस्ते योजना के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है। ओके, यानी कि अब जो है कि सेप्टिक टैंक, सीवर वगैरह की सफाई के लिए ये मशीनों के द्वारा सफाई की जाएगी, जिसके द्वारा कि मैनुअल जो कार्य किया जाता था उसको खत्म करने के लिए, याद रखिएगा। तो यह है नमस्ते योजना। अगला करंट अफेयर,
QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 जारी की गई है, जिसमें लंदन शहर विदेश में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों के लिए सबसे अच्छा शहर बनकर उभरा है। सियोल और म्यूनिक दूसरे स्थान पर हैं। सियोल हो गया, म्यूनिक शहर हो गया, ये दूसरे स्थान पर है। भारत की मुंबई शहर को सर्वोच्च रैंक के साथ 103वां स्थान प्राप्त हुआ है। मुंबई को भारत में नंबर एक पर है, लेकिन विश्व में जो है 103rd नंबर पर है। इसके बाद बेंगलुरु 114वें पर है, दिल्ली जो कि चेन्नई है 125 पर, और दिल्ली है 129, और टोटल विश्व में कितने देशों की रैंकिंग जारी की गई 140, यानी 140 देशों की रैंकिंग में लंदन पहले नंबर पर है, सियोल दूसरे नंबर पर है, म्यूनिक तीसरे पर है, और भारत की बात करें तो 103वें नंबर पर मुंबई है, 114वें नंबर पर बेंगलुरु है, चेन्नई 125वें पर, दिल्ली 129वें नंबर पर है बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में। ओके, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इस रैंकिंग को जारी करने में 146 देशों को लिया गया है, मतलब 146 देश इस रैंकिंग में थे, जिनमें भारत को 146 देशों में 135वें स्थान पर रखा गया है, और पिछले वर्ष भारत की रैंक 140 थी, यानी भारत की रैंक में सुधार हुआ है 5 अंकों का। 146 देशों में भारत को 135वें स्थान पर रखा गया है, पिछले वर्ष 2021 में भारत की रैंक 140 थी, याद रखिएगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की रैंकिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। 2021 में भारत की रैंक 140 थी, 2022 में भारत की रैंक 135 हो गई है 146 देशों में। नंबर एक पर कौन सा देश है? आइसलैंड है, आइसलैंड नंबर एक पर है, उसके बाद फिनलैंड है, फिर नॉर्वे, स्वीडन, न्यूजीलैंड। तो याद रखिए आइसलैंड नंबर एक पर है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को पहली बार 2006 में जारी किया गया था। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आर्थिक भागीदारी और अवसर, यानी इसके आयाम है जिसके आधार पर जारी किया जाता है, आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, और राजनीतिक अधिकारिता वाले चार प्रमुख आयामों के साथ यह जारी किया जाता है। ठीक है, तो आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, और राजनीतिक अधिकारिता वाले चार प्रमुख आयामों के द्वारा जारी किया जाता है। 2022 की रैंकिंग में भारत को 135वें स्थान प्राप्त हुआ, पिछले वर्ष 140वें स्थान पर था। टोटल 146 देशों में भारत को 135वां स्थान 2022 में प्राप्त हुआ, पहले नंबर पर आइसलैंड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत नवाचार सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, नीति आयोग ने इस बार जारी कर दिया। सूचकांक में कुछ प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक 17 प्रमुख राज्यों में नंबर एक पर है, और लगातार तीसरे वर्ष कर्नाटक अपनी यह रैंकिंग बरकरार रखा हुआ है। उसके बाद तेलंगाना और हरियाणा का स्थान है, यानी कि लगातार तीसरे वर्ष जो कर्नाटक टॉप पर है, प्रमुख राज्यों में, फिर तेलंगाना है, फिर हरियाणा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और पहाड़ी राज्यों की बात करें, तो मणिपुर प्रथम स्थान पर है। मणिपुर है ना, तो बताइएगा आप लोग केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये कमेंट करिएगा। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर प्रथम स्थान पर है, और उसके बाद उत्तराखंड, मेघालय का स्थान है। केंद्र शासित प्रदेशों और शहरों की श्रेणी में चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर, फिर दिल्ली का स्थान है। तो याद रखिए कर्नाटक टॉप पर है लगातार तीसरे वर्ष से। लीडिंग वेल्थ वुमेन लिस्ट यह जारी की गई किसके द्वारा? कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरन लीडिंग वेल्थ वुमेन लिस्ट एक जारी की गई है, जिसमें जो है कि SCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है रोशनी नाडर मल्होत्रा, ये भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर मल्होत्रा हैं SCL टेक्नोलॉजी की। ओके, लगातार दूसरे वर्ष इनकी स्थिति बरकरार है। नायका की फाल्गुनी नायर ने बायोकान की किरण मजुमदार शाह को पीछे छोड़ते हुए 57,520 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ भारत की दूसरी सबसे अमीर महिला बनी हुई हैं, और फाल्गुनी नायर दुनिया की 10वें सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला हैं, खुद से बनी हुई महिला हैं, सेल्फ मेड महिला हैं। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अगला करंट अफेयर, साइबर सुरक्षा के संबंध में बिम्स्टेक दल की बैठक नई दिल्ली में हुई है। बिम्स्टेक जानते हैं, तो बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई, बिम्स्टेक में कौन कौन से देश हैं, ये आप लोग कमेंट करिएगा।
तो ये साइबर सुरक्षा पर जो बैठक हुई है वो 2 दिवसीय बैठक नई दिल्ली में हुई है, नई दिल्ली में हुई है। ओके, तो यहाँ से देखिए, साइबर सिक्योरिटी आपके मेंस में है, जीएस पेपर 3 में होगा, साइबर सिक्योरिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, सेक्शन में, साइंस नहीं उसमें होगा। चलिए ठीक है, साइबर सुरक्षा से रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हर प्रतिवर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि NTRO क्या है, NCIIPC क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ये जो है कि बिम्स्टेक की बैठक नई दिल्ली में हुई। नाटो संगठन की कुछ बातें हैं, 2022 को नाटो मुख्यालय में, यानी बेल्जियम ब्रसल्स में इसका मुख्यालय है, नाटो मुख्यालय में स्वीडन और फिनलैंड ने परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, एसेशन प्रोटोकॉल, यानी स्वीडन और फिनलैंड ज्वाइन करने जा रहे हैं क्या नाटो। 30 देश हैं नाटो में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में 30 देश हैं, 28 यूरोपीय राज्य हैं, अमेरिका और कनाडा भी शामिल है, टोटल 30 देश इसमें हैं नाटो के अंतर्गत, है ना। और यही नाटो की सदस्यता लेने जा रहा था यूक्रेन, तो रसिया ने क्या कहा, जैसा अविनाश सर ने एक बार बताया था कि तुम मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, कि तुम मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी और को चाहोगे तो अच्छा नहीं होगा। तो वही हुआ, यूक्रेन पर हमला किया रसिया, वो नाटो की सदस्यता लेने जा रहे थे, वैसे ही स्वीडन और फिनलैंड जो है नाटो की सदस्यता लेने जा रहे हैं। इससे पहले उत्तर मैसिडोनिया जो कि आखिरी देश था जो इसकी सदस्यता ग्रहण की है। ओके, तो थोड़ा नाटो के बारे में पढ़िएगा, हो सके तो एक बुक है क्लास 11th की, NCERT होगी या क्लास 12th की है, उसको ज़रूर पढ़िएगा, वर्ल्ड पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो नाटो हो गया, USSR यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के बारे में बहुत सी चीज़ें, कोल्ड वार की थ्योरी जो है उस सब के बारे में आपको पता चलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला करंट अफेयर है ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में थोड़ा हमने ज़्यादा यहाँ पर रख दिया है। ईरान और अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना ने ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। ईरान और अर्जेंटीना यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के बाद ईरान और अर्जेंटीना भी संभवतः ब्रिक्स के सदस्य हो जाएं आने वाले समय में। 2001 में गोल्डमैन सैक्स के जिम ओ'निल ने बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स नामक एक शोध पत्र लिखा था, याद रखिएगा इन्हीं के दिमाग की उपज है जिम ओ'निल की। इस शोध पत्र में उन्होंने बताया कि भविष्य में वैश्विक GDP का नेतृत्व चीन, भारत, रूस एवं ब्राज़ील द्वारा किया जाएगा। सितंबर 2006 में ब्रिक विदेश मंत्रियों की प्रथम बैठक न्यूयॉर्क शहर में हुई 2006 में, के दौरान समूह को BRIC के रूप में औपचारिक रूप प्रदान किया गया, यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। ब्रिक का प्रथम औपचारिक शिखर सम्मेलन येकावेरिनबर्ग रूस में 2009 को आयोजित किया गया था। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया गया था। दक्षिण अफ्रीका ने सर्वप्रथम 2011 में सान्या चीन में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया, तब से इसका नाम ब्रिक की जगह ब्रिक्स हो गया, जो वर्तमान स्थिति आपके सामने है। और इसमें ईरान और अर्जेंटीना अगर शामिल हो जाते हैं तो आगे कुछ और नाम इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला करंट अफेयर देखते हैं। I2U2 शिखर सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। I2U2 नाम बहुत अच्छा है, इंडिया इजराइल यूएसए यूएई। तो 14 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले I2U2 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें इजराइल के प्रधानमंत्री यायर लापिड, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और यूएसए के राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन शामिल थे। इस वर्चुअल मीटिंग का मुख्य फोकस खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा पर था। अभी जो लोग UPPCS में देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ITUT से रिलेटेड। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए $2 बिलियन के निवेश की भी घोषणा की है, यानी UAE जो है कि भारत में खाद्य पार्क बनाने के लिए $2 बिलियन की घोषणा की है। I2U2 समूह ने घोषणा की कि वह गुजरात में एक हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा परियोजना, हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट का समर्थन करेगा। I2U2 ग्रुपिंग की अवधारणा 2021 को आयोजित 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान की गई थी। I2U2 का उद्देश्य जो है जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे 6 पारस्परिक रूप से पहचाने गए क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना है। I2U2 को पश्चिम एशिया के लिए क्वाड के रूप में पेश किया जा रहा है, जैसे क्वाड कंट्रीज हैं और आकस की बात होती है, क्वाड की बात हो रही है, ऐसे ही एक I2U2 को भी पेश किया जा रहा है जिसमें इंडिया, इजराइल, USA और UAE शामिल हैं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक अभी हुई है, कहाँ पर हुई है? इंडोनेशिया में हुई है, इंडोनेशिया में हुई है G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई है। और G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी 2022 में इंडोनेशिया कर रहा है, 2023 में G20 के सम्मेलन की मेज़बानी भारत करेगा, 2023 में भारत करेगा 2023 में, अभी इंडोनेशिया कर रहा है। तो वित्त मंत्रियों की बैठक हो चुकी, इंडोनेशिया में ही हुई है। चीता स्थानांतरण समझौता, तो जो चीता लाए जा रहे हैं, अफ्रीकन चीता भारत में लाए जा रहे हैं, चीता जो भारत में एक्सटिंक्ट हो चुका है यानी ख़त्म हो गए हैं, आखिरी बार चीता भारत में 1948 में आखिरी मर चुका था और 1952 में घोषित कर दिया गया था कि चीता भारत से एक्सटिंक्ट हो गए हैं यानी ख़त्म हो गए हैं। इसलिए भारत सरकार जो है नामीबिया के साथ, नामीबिया से हस्ताक्षर किया, मतलब माओ साइन किया है, और 8 चीता पहली बार में लाए जा रहे हैं, जिसमें 4 नर हैं, 4 मादा चीता हैं, जिसको मध्य प्रदेश के श्योपुर ज़िले में स्थित पालपुर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, नेशनल पार्क में इसको लाकर रखा जाएगा और इनको बचाया जाएगा, इनको भोजन कराया जाएगा और इनकी रक्षा की जाएगी, मेहमानों की तरह इनको पाला जाएगा, पाला नहीं जाएगा, सेवा की जाएगी, है ना। चीता एकमात्र बड़ा मांसाहारी जो भारत से पूरी तरह विलुप्त हो गया, जिसका मुख्य कारण इसका अधिक शिकार और निवास स्थान की हानि, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, है ना। भारत में आखिरी चीते की मृत्यु 1948 में छत्तीसगढ़ के केरिया जिले के साल जंगलों में हुई थी, ठीक है। चीता बहुत तेज़ी से दौड़ता है, विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला जो कोई है एनिमल तो वो चीता ही है। आप सर्च करिएगा कि चीता की स्पीड कितनी है, कितना किलोमीटर पर हावर है, और उसके बाद लॉयन की करिएगा, उसके बाद टाइगर की करिएगा, है ना। तो देखिएगा आप लोग, चीता सबसे पुरानी बिल्ली की प्रजातियों में से एक है। चीता दुनिया में भूमि पर सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनपायी भी है, जो अफ्रीका और एशिया में रहता है। अफ्रीकी चीता पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में हज़ारों की संख्या में पाए जाते हैं, अफ्रीकी महाद्वीप में, है ना। अफ्रीकी चीते को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण IUCN की लाल सूची में वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा गया है। एशियाई चीता अफ्रीकी चीतों से थोड़ा छोटा होता है। एशियाई चीता केवल ईरान में पाया जाता है, जहाँ वर्तमान में 100 से भी कम बचे हैं। कहाँ पर? ईरान में पाया जाता है, 100 से भी कम बचे हैं, ईरान में हैं, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में इनको रखा गया है, और नामीबिया से भारत लेके आ रहा है। अभी तो 8 लेके आ रहे हैं, बाकी और भी लाए जाएंगे आने वाले समय में। लाल पांडा वृद्धि कार्यक्रम, रेड पांडा एक मतलब हमारे घर का ही एक बच्चा था, उसको हमने इसका फ़ोटो दिखाया तो हम कहे कि ये देखो रेड पांडा है, तो वो कह रहा है ये तो कुत्ते जैसा दिख रहा है, तो इसको पांडा क्यों कहते हैं। मतलब उसके दिमाग में पहली बार देखने में यही आया कि ये तो एकदम कुत्ते का पिल्ला लग रहा है, छोटा डॉग ही है ना। तो ये लाल पांडा है, रेड पांडा है। इस जुलाई 2022 में दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, अब दार्जिलिंग कहाँ है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? तो दार्जिलिंग में है, पश्चिम बंगाल में है। तो लाल पांडा को बढ़ाने के लिए, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए वृद्धि कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क समुद्र तट से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर ऊंचाई पर है, जो देश के सबसे ऊंचाई पर स्थित चिड़ियाघरों में से एक है। संकटग्रस्त प्रजातियों की प्रकृति संरक्षण के लिए IUCN लाल सूची के अनुसार लाल पांडा को एक इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के Schedule 1 के तहत इसको संरक्षण भी प्राप्त है, रेड पांडा। तो आप कमेंट करिएगा रेड पांडा किस राज्य का स्टेट एनिमल है, किस राज्य का स्टेट एनिमल है, ओके। फैमिली कार्ड, उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि अब एक एक फैमिली कार्ड दिया जाएगा, जितने परिवार हैं उत्तर प्रदेश में उनको एक एक फैमिली कार्ड दिया जाएगा, और फैमिली कार्ड से ये पहचाना जाएगा किस घर में कोई नौकरी है कि नहीं है। कोई अगर नौकरी नहीं होगी तो उनको उस लायक बनाया जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी दी जाएगी, उस लायक बनाया जाएगा कि कोई रोज़गार शुरू कर सके। सरकार ऐसे परिवारों के कम एक सदस्य को नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रदान करने का प्रयास करेगी, ठीक है। तो फैमिली कार्ड उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसमें क्या करेंगे? इस योजना के तहत हिमाचल सड़क परिवहन निगम में महिलाओं के लिए बस किराए में 50% की छूट देंगे। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश, इस योजना के लाभार्थी केवल हिमाचल प्रदेश राज्य की महिलाएँ ही होंगी, ठीक है। पहली डिजिटल लोक अदालत, तो यह डिजिटल लोक अदालत कहाँ पर वो की गई? तो यह राजस्थान के जयपुर में UU ललित, उदय उमेश ललित ने इन्होंने की। अब अगले CGI यही बनने वाले हैं, या फिर यही बनने वाले हैं। तो ये डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया जयपुर में।
अर्न विद लर्न, अर्न करिए पढ़ते पढ़ते, है ना। तो ऐसा नहीं है, अर्न विद लर्न बस इसको रखा गया है। त्रिपुरा सरकार ने कोविड 19 महामारी के दौरान राज्य भर के 4300 स्कूलों में से 6 से 14 वर्ष की आयु के लगभग 9000 छात्रों को वापस लाने के लिए विद्यालय चोलो अभियान के हिस्से के रूप में एक नई योजना अर्न विद लर्न शुरू करने का निर्णय लिया है। अर्न विद लर्न योजना के तहत तीसरे वर्ष के कॉलेज के छात्रों को कक्षाओं में ड्रॉप आउट की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करने का काम सौंपा जाएगा और उन्हें स्कूलों में फिर से नामांकित करने के लिए 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो आप अगर त्रिपुरा से हैं तो वहाँ पर किसी कोई अगर छोड़ दिया हो कोविड की वजह से तो उसको फिर से आप एडमिशन करवा दीजिए, उनको पकड़ के लेके आइए, 500 रुपये ले जाइए। तो इस प्रकार का कार्य करना होगा। वैसे इतना ज़्यादा आपका किराया लग जाएगा लेकिन अच्छा प्रयास है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है जहाँ पर टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया, है ना। रजत पदक जीतकर इतिहास इन्होंने रचा और नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रजत पदक यानी ये सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हैं। इसके पहले लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज जो हैं वो दूसरे मतलब वो इसके पहले कांस्य पदक जीत चुकी हैं, लंबी कूद में कांस्य पदक वो जीत चुकी हैं, लेकिन नीरज चोपड़ा सिल्वर पदक जीतने में नंबर एक पर हैं और पहले भारतीय हैं, ठीक है, याद रखिएगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिंगापुर ओपन में पीवी सिंधु इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया, सॉरी गोल्ड मेडल कह रहे हैं, टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब इन्होंने जीत लिया। भारतीय बैडमिंटन स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु ने फाइनल में चीनी शटलर वांग झी को हराकर सिंगापुर ओपन 2022 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर 500 टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीत लिया। पीवी सिंधु साइना नेहवाल के बाद सिंगापुर ओपन खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय हैं, ओके, दूसरी भारतीय हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36th नेशनल गेम्स 36वें नंबर के जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में होगा, राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन जो सॉरी इसका आयोजन जो है कि गुजरात में होगा और कब होगा, सितंबर 27 से 10 अक्टूबर के मध्य होने होगा या गुजरात में। ऐसा पहली बार होगा जब पहली बार गुजरात इस प्रतिष्ठित खेल आयोजन की मेज़बानी करेगा। राष्ट्रीय खेलों का पिछला संस्करण 2015 में केरल में आयोजित किया गया था। महामारी सहित विभिन्न कारणों से खेलों का आयोजन अब 7 साल के अंतराल के बाद किया जा रहा है, तो यह गुजरात में होगा, ठीक है। हाल ही में भारत के टेस्ट टीम के कप्तान जसप्रीत बुमराह जो हैं कि स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 29 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बना दिए। तो जसप्रीत बुमराह सिर्फ बॉलर नहीं है, बैट्समैन भी हैं। इन्होंने महान ब्रायन लारा के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया जसप्रीत बुमराह, और जसप्रीत बुमराह के ना होने से ही भारत एशिया कप हारा है। जसप्रीत बुमराह होते तो भारत एशिया कप जीत चुका होता, ठीक है, जो श्रीलंका जीता, अच्छा भी लगा श्रीलंका जीता। इंग्लैंड में लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। इंग्लैंड में लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। हाल ही में भारत के कप्तान रोहित शर्मा लगातार 13 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान बने। लगातार जीते लेकिन अभी हार गए हैं एशिया कप में। तो यह उपलब्धि रोहित ने साउथहैम्पटन के इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की श्रृंखला के पहले अंतर्राष्ट्रीय T20 में बनाई थी। 13 जुलाई 2022 को BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली जी को ब्रिटिश संसद ने सम्मानित किया है। ब्रिटिश संसद ने इन्हें सम्मानित किया है और BCCI के यह वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए पल्लवी सिंह जी भारत की पल्लवी सिंह ने दक्षिण कोरिया के ये ओसू शहर में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीत लिया है। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का इन्होंने खिताब जीत लिया है। पल्लवी सिंह उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वाली हैं। पल्लवी सिंह मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता में पूरे एशिया की एकमात्र प्रतियोगी थीं। पल्लवी सिंह ने 2020 में जयपुर में आयोजित मिसेज इंडिया का खिताब भी जीता था। इन्होंने 2020 का मिसेज इंडिया जीती थी और ये 2022 में क्या जीत गई हैं कि मिसेज यूनिवर्स डिवाइन। कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की। गीता गोपीनाथ ने क्या कर दिया भैया? अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ रघुराम राजन के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बन गई हैं,
है ना, पहली महिला है, दूसरी भारतीय बनी है, क्योंकि इसके पहले रघुराम राजन जी वहाँ की दीवार पर आ गए थे। अब ये आई हैं गीता गोपीनाथ जी, ठीक है। चलिए, मोहम्मद बरकिंडो, मोहम्मद बरकिंडो जो कि ओपेक के महासचिव थे। ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का एक ग्रुपिंग है। ओपेक के ये महासचिव थे जिनका निधन हो गया। ये नाइजीरिया देश के रहने वाले थे। नाइजीरिया की राजधानी क्या है कमेंट कर दीजिएगा। और ओपेक के प्रमुख के रूप में इनका कार्यकाल अभी ख़त्म होने वाला था, लेकिन ये उसके पहले ही बेचारे चल बसे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का यह संगठन है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। और इसमें कौन कौन से देश हैं? हाँ, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसमें कौन कौन से देश हैं इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। टी राजा कुमार FATF के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, आपके मेंस के सिलेबस में आपको मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है चीज़ें हैं और यहाँ पर क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो FATF को अच्छे से जानिए। UPPCS वगैरह, प्री UPPCS या कोई भी एग्ज़ाम हो, ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो टी राजा कुमार हैं, FATF के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। FATF 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित हुआ था। ओके, और FATF में 39 देश हैं। इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। टी राजा कुमार याद रखिए। राहुल नार्वेकर क्यों न्यूज़ में है भाई? ये भारत में इस संवैधानिक पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी बन गए हैं। यानी कि विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले, भारत की सभी विधानसभाओं में, भारत की जितनी भी विधानसभाएं भारत में हैं उसमें सबसे कम उम्र के अब तक के अध्यक्ष कोई बने हैं तो वो राहुल नार्वेकर बने हैं। 45 वर्ष के हैं राहुल नार्वेकर, यह महाराष्ट्र विधानसभा में। ओके, चलिए, राहुल नार्वेकर याद रखिएगा। अभी जो 68th जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो दिए गए हैं उनमें दो लोग महत्वपूर्ण हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं कि सूर्या हैं, सूर राई पोटू फिल्म के लिए इनको दिया गया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। और एक मूवी आई थी तान्हा जी के लिए, अजय देवगन को दिया गया है। अजय देवगन को जानते ही होंगे आप लोग, ये हैं ऐसे ही दिखते हैं, सिंघम के नाम से भी फेमस हैं। ओके, और सबसे मनोरंजन और लोकप्रिय फिल्म की बात की जाए, तान्हा जी फिल्म है। और सबसे अभिनेता सूर्या को सोर्राई पोटू के लिए दिया गया है और अजय देवगन को तान्हा जी के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बाल मुरली सोर्राई पोटू के लिए। 68th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 का यह पुरस्कार 2022 में दिया गया। मध्य प्रदेश को सर्वाधिक फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य घोषित किया गया है, मतलब इसका पुरस्कार उसको दिया गया है। यानी सबसे अनुकूल राज्य जो है मूवी बनाने के लिए, पिक्चर बनाने के लिए, वो मध्य प्रदेश है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को स्पेशल मेंशन मिला है, स्पेशल मेंशन कैटेगरी में है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ओके, सबसे पर्यावरण फिल्म का पुरस्कार मानह अरु मानु यानी मानस और लोक को प्राप्त हुआ है। मानह अरु मानु यानी मानस और लोग को प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला करंट अफेयर, फेमिना मिस इंडिया 2022, ये एक ही महिला हैं। ठीक है, तो फेमिना मिस इंडिया 2022 सिनी सेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है। सिनी सेट्टी फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब यह जीती हैं। ओके, यह 18वां संस्करण था, कर्नाटक की यह हैं। क्या नाम है इनका? सिनी सेट्टी फेमिना मिस इंडिया का यह खिताब जीती हैं। ठीक है, केंद्र सरकार ने फसल विविधीकरण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, फसल विविधीकरण और प्राकृतिक खेती नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने की, आप बताइएगा नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में डिफरेंस क्या है? दो लाइन कमेंट में आ जाने चाहिए आपके। नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या डिफरेंस है? तो फसल विविधीकरण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP से संबंधित पहलुओं पर गौर करने के लिए एक प्रतिष्ठित समिति का गठन किया है। और इस समिति के अध्यक्ष हैं कौन? संजय अग्रवाल हैं, ये याद रखिए, संजय अग्रवाल। ये जो कमेटी बनी है इसके अध्यक्ष जो हैं संजय अग्रवाल हैं, MSP से रिलेटेड ये कमेटी है। ओके, विश्व जनसंख्या दिवस आपको लगभग पता ही होगा, लगभग क्या पता ही होगा, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 1989 में संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा की थी, 1990 से प्रतिवर्ष इसको मनाया जा रहा है। और इसकी थीम है 2022 में, बहुत लंबी थीम है, अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियंस टूवर्ड्स अ रेजिलियंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटीज एंड इंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइसेस फॉर ऑल। वैसे इतनी बड़ी थीम जल्दी पूछी नहीं जाती है क्योंकि पेपर में इतना छपेगा कैसे,
तो विश्व जनसंख्या दिवस की यह थीम है। ओके, तो याद रखिए 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और इसके बाद यहाँ पर है विश्व युवा कौशल दिवस। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को होता है। UPPCS शायद 2020 या 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसकी थीम है ट्रांसफार्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। 2022 की थीम है भविष्य के लिए युवा कौशल को बदलना, ट्रांसफार्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। राष्ट्रीय आम दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आम दिवस है भाई, राष्ट्रीय आम दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस, मैंग्रोव फॉरेस्ट जानते हैं ना, तो बताइएगा कि सर्वाधिक यानी टॉप टू ऐसे राज्यों का नाम बताइए जिसमें मैंग्रोव कवर सर्वाधिक है, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा है। तो राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई को राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस। ओके, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है। देख रहे हैं कितना तेज़ी से ये देख रहा है, इधर इतना ना देखो, इंसानों के द्वारा ही पाले जा रहे हो आप, है ना। आप टाइगर शेर नहीं रहा है, क्योंकि शेर तो अब इंसानों के द्वारा पाला जा रहा है, इंसान ही अब शेर हो गया है। 2022 की थीम है बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है। इसकी थीम है इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। अभी 2018 की रिपोर्ट आई थी, 2022 में फिर इसकी रिपोर्ट आएगी टाइगर की, कि कितने टाइगर कहाँ पर हैं। वैसे एक रिपोर्ट आई थी, उसमें आप लोग देखिएगा कि क्या है रिपोर्ट, क्या बताती है कि कहाँ पर टाइगर ज़्यादा हैं, कहाँ पर कम है। पिछली रिपोर्ट के अनुसार तो 173 उत्तर प्रदेश में थे, MP में सर्वाधिक थे, 526 थे। ओके, तो 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है इंडिया लायंसेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। ओके, चलिए इम्वेनेक्स वैक्सीन। इम्वेनेक्स वैक्सीन है मंकी पॉक्स वायरस के लिए, मंकी पॉक्स वायरस के लिए यूरोपियन आयोग ने इम्वेनेक्स वैक्सीन को मंकी पॉक्स से सुरक्षा के रूप में विपणन की अनुमति दे दी है। इम्वेनेक्स वैक्सीन को, इम्वेनेक्स एक गैर प्रतिकृति चेचक का टीका है, नॉन रेप्लिकेटिंग स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है, जिसे अमेरिकी सरकार के सहयोग से विकसित किया गया, यानी मंकी पॉक्स से रिलेटेड यह वैक्सीन है। यूरोपियन आयोग ने इसको मंजूरी दे दी है, ठीक है, इम्वेनेक्स वैक्सीन। तो ये रहे करेंट अफेयर, तो एक बार हम रिवाइज करते हैं। इम्वेनेक्स वैक्सीन जो मंकी पॉक्स से रिलेटेड है, यूरोपीय आयोग ने इसको विपणन की अनुमति दे दी है। अमेरिकी सरकार के सहयोग से विकसित की गई है। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम है इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। इसकी थीम है राष्ट्रीय आम दिवस 22 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस 26 जुलाई को। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को। इसकी थीम है ट्रांसफार्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम है अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टूवर्ड्स रेजिलियंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटीज एंड इंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइसेस फॉर ऑल। केंद्र सरकार ने MSP से रिलेटेड एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी के अध्यक्ष हैं संजय अग्रवाल। फेमिना मिस इंडिया बनी है कर्नाटक की सिनी शेट्टी, कर्नाटक की सिनी शेट्टी फेमिना मिस इंडिया 2022 बनी है। और 68th नेशनल फिल्म अवार्ड जो दिए गए हैं, जिसमें सूर्या हैं और अजय देवगन है। सूर्या की पिक्चर है सोर राय पोटू, अजय देवगन की तानाजी, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बाल मुरली, और सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य मध्य प्रदेश है, और स्पेशल मेंशन में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश को रखा गया है। पर्यावरण से रिलेटेड सबसे बेस्ट मूवी है माना अरुमानु मानस और लोग, और सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म है तानाजी। ओके, राहुल नार्वेकर जो हैं कि आज तक मतलब भारत में जितनी विधानसभाएं हैं सबसे कम उम्र के विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा से संबंधित हैं। टी राजा कुमार FATF के अध्यक्ष बने हैं। टी राजा कुमार 2 साल कार्यकाल होगा, FATF 1989 में बना था। इसमें वर्तमान 39 देश हैं। इसका मुख्यालय जो है कि पेरिस में है। मोहम्मद बर्किंदो जो OPEC के महासचिव थे, 63 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया, और राजधानी अबूजा में इनका निधन हुआ। नाइजीरिया के रहने वाले थे। मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में FATF का है। ओके, गीता गोपीनाथ जो है रघुराम राजन जी के बाद IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बन गई हैं। पल्लवी सिंह जो है कि मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीत ली हैं। ओके, और यह कहाँ की रहने वाली हैं, यह कहाँ की रहने वाली हैं, कानपुर शहर की रहने वाली हैं, उत्तर प्रदेश के। इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है।
और हाल ही में भारत के कप्तान रोहित शर्मा 13 अंतर्राष्ट्रीय T20 जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान बने और BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली को ब्रिटिश संसद ने सम्मानित किया है। भारत के टेस्ट टीम के कप्तान जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छे बॉलर भी हैं और इन्होंने 29 रन एक ओवर में बनाया और ब्रायन लारा के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इन्होंने 36 नेशनल गेम्स जो होंगे सितंबर अक्टूबर में वह गुजरात में होंगे 36 नंबर के। सिंगापुर ओपन का खिताब मतलब महिला एकल का खिताब जीत ली है पीवी सिंधु। इसके पहले जो कि साइना नेहवाल ने यह खिताब जीता था, पीवी सिंधु ने चीन की सटलर वांग जी यी को हराया। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के नीरज चोपड़ा जी ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। इसके पहले अंजू बाबी जॉर्ज कांस्य पदक जीती हैं, कांस्य पदक ब्रोंज जीती हैं और ये नीरज चोपड़ा जो है कि सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हैं। पहली डिजिटल लोक अदालत का अनावरण कहाँ हुआ, वहाँ पर कहाँ पर उद्घाटन हुआ, जयपुर में अर्न विद लर्न कार्यक्रम त्रिपुरा सरकार ने शुरू किया है। फैमिली कार्ड उत्तर प्रदेश सरकार शुरू की है। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने, लाल पांडा वृद्धि कार्यक्रम, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में किसकी रेड पांडा को संरक्षित करने के लिए शुरू किया गया है। चीता स्थानांतरण समझौता जो नामीबिया से भारत में चीते लाए जा रहे हैं जो पालपुर कोनू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखे जाएंगे जो मध्य प्रदेश में है, 8 चीते पहली बार में लाए जा रहे हैं, 4 फीमेल हैं। ठीक है, G20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक, जो गवर्नर हैं वित्त मंत्री वहाँ सभी देशों के G20 देशों के इंडोनेशिया के बाली में आयोजित की गई और जहाँ पर भारत से कुछ लोग गए थे। कुछ लोगों में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास उस बैठक में हिस्सा लिए। 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इंडोनेशिया कर रहा है, 2023 में भारत करेगा। ठीक है, I2U2 शिखर सम्मेलन इंडिया इजराइल USA UAE वर्चुअल माध्यम से यह सम्मेलन हुआ। ओके ठीक है, चलिए ब्रिक्स देशों में यानी जो ब्रिक्स ग्रुपिंग है ब्राज़ील रसिया इंडिया चाइना श्रीलंका सॉरी साउथ अफ्रीका ईरान और अर्जेंटीना भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। और भी जो चीज़ें हैं इसको आप लोग देख लीजिएगा। इन दो देशों ने ईरान और अर्जेंटीना सदस्य बनने के लिए आवेदन उन्होंने दिया है। अब देखिए आगे बन जाते हैं कि नहीं। साइबर सुरक्षा के संबंध में बिम्स्टेक दल की बैठक हुई, कहाँ पर हुई यह नई दिल्ली में बैठक हुई। नाटो की बात हो, नाटो के मुख्यालय में स्वीडन और फिनलैंड को एसेशन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, यानी स्वीडन और फिनलैंड भी नाटो में इंट्री करने जा रहे हैं। स्वीडन और फिनलैंड नाटो में 30 देश हैं वर्तमान में, जिसमें से 28 यूरोपीय कंट्री हैं, अमेरिका और कनाडा भी शामिल हैं और नॉर्थ मैसेडोनिया जो लास्ट कंट्री था जो 2020 में इसमें ज्वाइन हुआ। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। लीडिंग वेल्थ वुमेन लिस्ट इस रिपोर्ट में भारत की सबसे अमीर महिला जो हैं कि SCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा हैं। भारत नवाचार सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। 17 प्रमुख राज्यों में कर्नाटक लगातार तीसरे वर्ष टॉप पर बना हुआ है और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में मणिपुर का प्रथम स्थान है और जबकि केंद्रशासित प्रदेशों की श्रेणी में चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। 2022 में भारत को प्राप्त हुआ 135वां स्थान 146 देशों में, पिछले वर्ष भारत को 140वां स्थान प्राप्त था 156 देशों में। ओके, और नंबर एक पर आइसलैंड है। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में लंदन नंबर एक पर है। सियोल और म्यूनिक टॉप थ्री में शामिल हैं। सियोल नंबर दो पर है, म्यूनिक नंबर तीन पर है और भारत में बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में मुंबई 103वें स्थान पर है। ऑल ओवर वर्ल्ड 103वें पर है, भारत में नंबर एक पर है। 114वें पर बेंगलुरु है, 125वें पर चेन्नई, 129वें पर दिल्ली है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नमस्ते योजना शुरू की गई है। नमस्ते योजना संबंधित है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम है ना, मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र जो सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई के लिए अब मशीनों का प्रयोग किया जाएगा, तो यह है नमस्ते योजना। और कॉफ़ी की नई मतलब जलवायु प्रतिरोधी किस्में विकसित करने के लिए कॉफ़ी बोर्ड ने साइन किया है। बताइएगा कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यानी कहाँ पर है कॉफ़ी बोर्ड, किस एक्ट के थ्रू यह बना था।
इसरो के साथ इसने समझौता यानी MOU साइन किया है कि भैया कुछ अच्छी किस्म बनाई जाए ताकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उसमें भी हम लोग कॉफ़ी का उत्पादन कर सकें। डीजीवाड़ी कॉल सेंटर को वित्त पोषित कर रहा है गूगल। इसमें जो है कि 6 राज्यों हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान में यह चलाई जा रही है। ओके, महिला उद्यमी जो होंगी इस पर कॉल कर सकेंगी और उनसे उनके लिए उपलब्ध विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। ठीक है, स्टार्टअप स्कूल इंडिया कार्यक्रम गूगल के द्वारा शुरू किया जा रहा है। ग्रैंड हैकथॉन का आयोजन वर्चुअल माध्यम से नाबार्ड के द्वारा किया गया था। कृषि से संबंधित इनोवेशन को अपनाने में, कृषि संबंधित ई कॉमर्स को अपनाने में मदद करने के लिए व्यवसाय सुधार कार्य योजना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जारी की गई, जिसमें जो है कि व्यवसाय सुधार में टॉप अचीवर्स की कैटेगरी में टॉप पर आंध्र प्रदेश है और अचीवर्स कैटेगरी में आपका उत्तर प्रदेश भी है, अचीवर्स में है, और एस्पायर कैटेगरी में गोवा, केरल, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़ हैं, और अंडमान निकोबार बिहार जो लोग दे रहे हैं तो बिहार जो है वो इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम के कैटेगरी में आया है। GST दरों में परिवर्तन किया गया, इन दरों को आप लोग देख लीजिएगा। पैकेज्ड फूड पर आपको 5% GST लगेगा, ये याद रखिएगा। कागज़ आयात निर्यात आयात निगरानी प्रणाली में याद रखिए कि करेंसी पेपर, बैंक बॉन्ड, चेक पेपर और सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर आदि जैसे कागज़ के उत्पादों को अनिवार्य पंजीकरण के दायरे से बाहर रखा गया है। 6 से 7 जुलाई 2022 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 3रा अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो आयोजित किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली प्रगति मैदान, 6 से 7 जुलाई। 12 जुलाई 2022 को अहमदाबाद शहर और केरल राज्य को टाइम पत्रिका द्वारा 50 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने के उस सूची में शामिल किया गया। 2021 में भारत के लोग सबसे ज़्यादा कहाँ जाकर रहने लगे हैं, नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं, कहाँ की? USA की। दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। ओके, तो जाएं भारत के लोग, हम तो चाहे ना चले जाएं, कुछ जनसंख्या कम हो। डीजी यात्रा परियोजना, डीजी यात्रा यानी डिजिटल यात्रा कैसे? फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, यानी एयरपोर्ट पे जाइए, खड़े हो जाइए, आपके चेहरे की स्कैनिंग होगी और आपको पहचान लिया जाएगा कि आप ही हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो द्रौपदी मुर्मू जी जो भारत की राष्ट्रपति बनी है, 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, उड़ीसा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर क्षेत्र से इन्होंने विधानसभा क्षेत्र इनका है, 2 बार विधायक भी रही हैं, 1 बार वहाँ पर भी मंत्री भी रही हैं। ओके, और स्वतंत्र भारत में मतलब स्वतंत्रता के बाद जन्मी जो हों, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता के बाद जन्मी भारत की पहली राष्ट्रपति हैं, सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं और पहली महिला आदिवासी नेता हैं, संथाल जनजाति सिया संबंधित हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया वीक का उद्घाटन किया गया गुजरात के गांधीनगर में और 4 जुलाई को किया गया। इसकी थीम थी कैटलाइजिंग न्यू इंडिया टिकट। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया। स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। बाकी आपसे जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आप लोग कमेंट करिएगा। उसके साथ साथ सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, कुछ करेंट के क्वेश्चन वहाँ पर आपको दिए जाएंगे। बाकी अगर आप मैथ्स दे रहे हैं तो आपको पिछले दो महीने से लगातार आपको एक क्वेश्चन मैथ्स के दिए जाते हैं, आप लिख कर भेजिए, कॉपी आपकी चेक होती है। ठीक है, तो लिख कर भेजिए और सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, उसको ज्वाइन कर लीजिए और रेगुलर क्विज वगैरह जो भी हो रहे हैं, संभवतः करंट के कुछ क्विज हम कराएंगे, जो और महत्वपूर्ण क्विज हैं उसको हम करवा देंगे, तो ज्वाइन करिए और जुड़िए हमारे साथ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर होगा जुलाई के बाद, आता है अगस्त। तो ठीक है, तो नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद।